ध्यान दो बाबू, प्रोजेक्टाइल मोशन के आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ध्यान से समझो बच्चों, एक न्यूमेरिकल से ही शुरुआत करते हैं आज के पढ़ाई। 14 मीटर के हाइट से एक बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया। 14 मीटर के ऊंचाई से एक बॉडी को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया, जो कि ऊपर की ओर इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री है। तो मोशन इस प्रकार का होगा बच्चों, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के दूर ग्राउंड पर यह बॉडी गिरता है, यह एक समलोक को निकालना है। कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा 3/5 है, जबकि कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे पास जो भी रेंज वगैरह का है एक लाइन में के लिए निकालने के लिए है। तो इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल से किसी खास एंगल पर एक सर्टेन स्पीड से बॉडी फेंक दिया जाता है नीचे की ओर, जी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अंडर इसको मूव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जैसा मोशन इसका होता है उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस मोशन में अगर बच्चों बात करो तुम, तो इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यह हो गया, वर्टिकल लाइन यह हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में, दो लाइन में हमको मोशन समझना होता है। इस डायरेक्शन में स्पीड जो होता है वह कांस्टेंट होता है। तो स्पीड बच्चों अगर कांस्टेंट है तो इस डायरेक्शन में केवल टाइम पता चल जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए पहले वर्टिकल मोशन सोचना होता है। तो कॉन्सेप्ट को बोर्ड पर ध्यान दो, क्या क्या बातें हाथ चल रहा है, क्या बता रहे हैं। देखो, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन अगर फॉर्मूला पे न बने तो बस सिंपल साधारण कहानी है कि एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन को समझना है तुम्हें। तो टाइम निकालने के लिए हमेशा मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन अगर मोशन हम लोग लेते हैं तो ध्यान दो बच्चों इसका। देखो, यह 5 वेलोसिटी है तो इधर की ओर कंपोनेंट 5 कॉस 37 डिग्री होगा और ऊपर की ओर कंपोनेंट 5 साइन 37 डिग्री होगा। बताया हुआ है बच्चों कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो u कॉस थीटा इधर होता है और u साइन थीटा इधर होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कितना हाइट पहले गिरना है, तो 14 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जो है वह वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन 37 डिग्री है, u का वैल्यू 5 और साइन 37 का 3/5, तो 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब मोशन वर्टिकल मोशन में इस प्रकार का है कि इनिशियली बॉडी का वर्टिकल में स्पीड ऊपर की ओर है 3 मीटर पर सेकेंड, बॉडी नीचे g से गिर रहा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कितना हाइट गिरना है तो 14 मीटर। तो नीचे गिराने के लिए हाइट का वैल्यू h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। अगर किसी बॉडी को u वेलोसिटी से नीचे फेंके और g भी इसको गिराने के लिए ही काम करे, तो h बराबर मेरा हाइट जो डिस्टेंस कवर है, हाइट कवर है, वह ut प्लस हाफ gt स्क्वायर मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला बताए हैं। लेकिन इस डायरेक्शन को अगर प्लस मानते हैं तो इस डायरेक्शन को माइनस मानते हैं। तो यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि बॉडी नीचे इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है, यानी फॉर्मूला यहां पर माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी जो बच्चे वीडियोज देखे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। वह एच बराबर माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर हम लिखें तो 14
माइनस थ्री टी प्लस हाफ टेन टी स्क्वायर, कैंसिल करो फाइव फाइव टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस फोर्टीन जीरो, फोर्टीन फाइव सेवेंटी। तो इसको इस तरह स्प्लिट करना है, इस तरह तोड़ना है कि सेवेंटी है तो टेन टी या प्लस सेवेंटी फैक्टर तोड़ो। तोड़ रहे बच्चों फाइव टी कॉमन लो टी माइनस टू, प्लस सेवन कॉमन लो टी माइनस टू बराबर जीरो। तो आ गया यहां से टी माइनस टू और फाइव टी प्लस सेवन बराबर जीरो, यहां से आया टी माइनस टू बराबर जीरो या फाइव टी प्लस सेवन बराबर जीरो, टी बराबर माइनस सेवन बाई फाइव सेकेंड। तो टाइम तो माइनस में होता नहीं है बच्चों, तो यह तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो टाइम बराबर आया टू सेकेंड, यानी कि बॉडी कितना देर मोशन में रहा, माने 14 मीटर से जीरो हाइट तक आने में, 14 मीटर हाइट कवर करने में उसको क्या टाइम लगा, तो दो सेकेंड। इस दौरान जो मोशन है ऊपर की ओर उल्टा डायरेक्शन मोशन है, तो दो सेकेंड मोशन में बॉडी है। अब मोशन इन होरिजेंटल डायरेक्शन लेंगे, मोशन इन होरिजेंटल डायरेक्शन। तो होरिजेंटल डायरेक्शन मोशन अगर लेते हो बच्चों, एक बात जान लो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वह मोशन इन टू डायमेंशन होता है। इसमें एक्स और वाई, एक्स मतलब होरिजेंटल, वाई मतलब वर्टिकल, होरिजेंटल और वर्टिकल दो डायरेक्शन में मोशन होता है। टाइम निकालने के लिए हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन यूज करते हैं और हाइट का यह फॉर्मूला यूज करते हैं। हाइट कितना गिरना है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, इस बार थ्री है उल्टा है, उल्टा है इसलिए माइनस यूटी लिखे हैं, इसे टाइम निकल गया। होरिजेंटल डायरेक्शन में स्पीड का बात करो तो यू कॉस 37 डिग्री है, 5 इंटू 4 बाई 5 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम मोशन में है बच्चों बाबू, तो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक यह मोशन में किया है। जब तक गिरा नहीं तब तक तो चलते रहा और स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट रहा। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हुआ बच्चों 4 और टाइम हुआ 2, 8 मीटर या तुम्हारा डिस्टेंस आ गया। तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का लगभग कॉन्सेप्ट सीख गए हो तुम लोग धीरे धीरे, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग बना ही लोगे। हटाए इसे, लिख लिए होगे, नोट बनाते जाओगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं बहुत सारे वीडियोज डाले गए हैं, शुरुआत से सभी थ्योरी को सोचो समझो, धीरे धीरे करके आगे पीछे करके सभी चीज तुम्हें पढ़ा दिया जाता है, इसलिए ध्यान पूर्वक मेहनत करते रहना है, बस सिंपल सा बात है बच्चों। क्वेश्चन है कि एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है बच्चों, यह हेलीकॉप्टर जो है वह 500 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट इस वेलोसिटी से होरिजेंटली मूव कर रहा है। यहां से एक पैकेट हम ड्रॉप किए, एक पैकेट ड्रॉप किए, ठीक, तो कितना होरिजेंटल डिस्टेंस बाद यह पैकेट गिरेगा जब यह 100 मीटर हाइट पर है। तो निश्चित है कि ड्रॉप करोगे इसको, केवल ड्रॉप करोगे तो जी नीचे लगेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है तो उसमें रहने वाले हर एक चीज का वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है। हेलीकॉप्टर आगे चल रहा है तो उसमें रहने वाला हर एक चीज आगे चल रहा है, तो जो पैकेट है उसके पास भी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है और इस वेलोसिटी को बदलने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजेबल मानते हैं, तो पैकेट का मोशन इस प्रकार से होगा, यहां जाके गिरेगा, तो यही डिस्टेंस एक समलोक को निकालना है। तो यही बाबू क्वेश्चन है, इसमें भी देखो मोशन क्या हुआ, तो वर्टिकल होरिजेंटल हो गया। तो कभी भी टाइम निकालने के लिए वर्टिकल मोशन का यूज करते हैं, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मोशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे तो हमारा कितना हाइट गिराना है हमको 100 मीटर, क्या है इनिशियल वेलोसिटी पैकेट का। तो बहुत सारा बच्चा 500 मीटर पर सेकंड बोलेगा, लेकिन यह 500 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो होरिजेंटल में है। हम तो सीधे
वर्टिकल में इसको छोड़ दिए हैं, ड्रॉप किए हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, तो जीरो। इस पैकेट के पास वेलोसिटी है लेकिन वह वेलोसिटी होरिजेंटल है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिख दिए। एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हंड्रेड जीरो इंटू टी प्लस हाफ, ट्वेंटी इंटू टी सॉरी टेन, फाइव हो गया तो टी स्क्वायर आ गया ट्वेंटी, तो टी बराबर रूट ट्वेंटी, तो टू रूट फाइव सेकेंड। ट्वेंटी को चार गुने पांच लिखेंगे, चार का दो दो बाहर निकल गया। अब यहां से बच्चों मोशन इन होरिजेंटल डायरेक्शन करोगे, मोशन इन होरिजेंटल मतलब इस डायरेक्शन को होरिजेंटल डायरेक्शन बोलते हैं, तो मोशन इन होरिजेंटल डायरेक्शन अगर हम बोलेंगे तो क्या स्पीड है इसका, तो 500 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। और क्या टाइम है, कितना टाइम तक मोशन में रहा, तो टू रूट फाइव सेकेंड। ठीक है बच्चों, और हमको डिस्टेंस जो एक्स है वह हम लोग को निकालना है, तो एक्स हो गया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड के जगह पे हो गया 500 टू रूट फाइव, तो एक्स इक्वल टू हो गया हजार, एक हजार रूट फाइव मीटर। इस तरह के नोमेरिकल्स भी होते हैं जो कि बहुत स्पेशल और हेवी नोमेरिकल्स, तो इन्हें नहीं ही कहा जा सकता है, इजी नोमेरिकल्स हैं, बस वर्टिकल और होरिजेंटल को अलग अलग सोचना है। हटाएं इसे, ध्यान से समझो, मिटाते हैं बच्चों, मेहनत करते रहना पड़ेगा तो ही तुम क्वेश्चन बना पाओगे, सीख पाओगे। सभी चीजों को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और नियत रखना पड़ेगा पढ़ाई को करने का। ध्यान दो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जो चीज, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कॉन्सेप्ट और होता है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन और ऑन इनक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और बाकी सभी कॉन्सेप्ट को तुम सीख चुके हो। ध्यान दो बच्चों, मेहनत से, मान लो अगर हम, अगर बच्चों एक 30 डिग्री के एंगल पर एक बॉडी को परपेंडिकुलर, 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी को फेंक दिए, और इधर 45 डिग्री के एंगल पर जाके बॉडी 90 डिग्री पे जाके गिरा, कहां गिरा क्या गिरा नहीं पता है, तो भी का वैल्यू बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है यह, ऐसे देखने से शानदार लग रहा है, बताएंगे तो आसान हो जाएगा, मैंने इस तरह कहीं मोशन कर रहा होगा, इसे कहीं जाके टकरा गया होगा। तो सबसे पहले मोशन कैसा भी हो, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जी के अंडर व ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी ऐसे मोशन कर रहा हो, कहीं से भी ऐसे मोशन कर रहा हो, कहीं से भी ऐसे मोशन, कैसा भी मोशन कर रहा हो, उसमें होरिजेंटल इस डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर यू बराबर दिया है, ध्यान दो बच्चों, 30 डिग्री है तो भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल, यह 30 डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, U cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी एंगल भी पर भी है, यहाँ पे भी, और यह एंगल है 45 डिग्री, तो यह एंगल भी 45 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ पे एंगल भी ऐसे दिया हुआ है तो यह एंगल भी 45 डिग्री हो गया, तो इधर की ओर वेलोसिटी क्या हो गया, तो भी कॉस 45 डिग्री। हम जानते हैं कि क्वेश्चन फिगर कैसा भी हो, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो v cos 45 डिग्री फाइनल होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इनिशियली क्या दिया है, u cos 60 डिग्री। cos 45 डिग्री 1 बाई रूट टू, यू का वैल्यू 10 और cos 60 डिग्री 1 बाई टू, यहां 5 आ गया तो v बराबर आ गया 5 रूट टू मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह।
ठीक है। क्वेश्चन शुरुआत में देखने समझ में नहीं आता, एक इंक्लाइंड प्लेन से तिरछा सतह से बॉडी फेंक दिए और जाके कोई तिरछा सतह पे ही टकरा गया, एक इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी फेंक दिए 90 डिग्री पे और जाके इंक्लाइंड प्लेन पे ही 90 डिग्री पे टकरा गया, तो बाद का वेलोसिटी क्या होगा जब शुरू का वेलोसिटी पता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, इसको हटाते हैं, हटा रहे हैं इसको। देखो मान लो सभी चीजों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट को जानना बहुत बच्चों जरूरी होता है। ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे क्लासेज के फॉर्मेट में गए हैं क्लासेज, अभी तक के प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट गए हैं। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है डिफिनीशन गया है, फिर उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक वीडियो गया है, तो सभी अलग अलग वीडियोज गए हैं, न्यूमेरिकल्स बनाए गए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के, तो सभी चीजों को ध्यान पूर्वक मेहनत से बच्चों समझो। देखो कि मान लो कि अगर एक बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया गया तो बॉडी इस तरह से मोशन किया, तो u cos थीटा इस बॉडी को आगे बढ़ाता है, u sin थीटा ऊपर ले जाता है, g एक्सेलरेशन होता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यह जो रेंज होता है यह r कहलाता है, यह सबसे अधिक होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, थीटा पर 90 डिग्री माइनस थीटा पर बॉडी सेम जगह जाकर गिरता है, यह मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है और r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, h बाई r करोगे तो tan थीटा बाई 4 आ जाएगा, करके देख लेना या फॉर्मूला के टर्म में याद भी रखना कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में डिवाइड करते हैं तो tan थीटा बाई 4 आ जाता है। बच्चों इक्वेशन देखो, यह पॉइंट जो है वह r कॉमा 0 होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है मोशन, वह होता है क्या, तो वह होता है बच्चों y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दो तो इस तरह का उसका मोशन होगा और इस मोशन में एक्स कोमा वाई तुम्हारा कोई भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट का हम इक्वेशन लिख दिए, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। वाई बराबर एक्स टैन थीटा हम कॉमन लें तो यहां पे तो कॉमन वन आ गया, एक्स कॉमन हो गया एक्स यहां बच्चा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे टेन थीटा यहां पे है तो यहां पे टेन थीटा करेंगे, तब ना मल्टीप्लाई होने पे टेन थीटा कट जाएगा और यही आ जाएगा। ठीक, अब y बराबर आया x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दे, एक कॉस थीटा कट गया बच्चों। ठीक, तो यहां पे आया y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, अब बाई जी लिख दिए इसको, यह जी जी से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे, यहां जी कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम लोग वाई बराबर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं। आर कोमा जीरो लाइज ऑन इट, तो वाई के जगह जीरो, यहां ए आर माइनस बी आर स्क्वायर, तो बी आर स्क्वायर बराबर हो गया ए आर, आर से आर कैंसिल करो, आर बराबर आ गया ए बाई बी, आर का वैल्यू आ गया ए बाई बी, यह तुम्हारा इक्वेशन होता है। अब एक क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं
तुमको समझना है बात को। ये सब जो भी बात है यहां पे एक फॉर्मूला बताया, इसको फॉर्मूला बताया, बहुत सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का नोट्स बनाकर पूरा बात एक बार में समझो बच्चों, सब कुछ बना के आओगे कहीं भी कंपटीशन में भी। केवल एक इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल ही बाकी है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एचसी वर्मा के बुक से पूरा काइनेमेटिक्स बनाने का सोचो, कि एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स के बुक से पूरा काइनेमेटिक्स तुम बना सको। और जो भी क्लास में क्वेश्चन हम कराए हैं वह भी क्वेश्चन काफी होगा, बहुत सारे सवाल हम तुम लोग को करा दिए हैं बच्चों। देखो बहुत सारा रट्टा मेथड से तुम पढ़ाई ना करो, कि बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, रट रहे हैं चीजों को, ऐसे नहीं पढ़ो। कॉन्सेप्ट को सीखो, सब कुछ बन जाएगा। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन दिया है वाई बराबर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया है रूट थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और बोल रहा है फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ हम लोग को निकालना है। ठीक, अरे भाई वेलोसिटी और एंगल निकल जाएगा तो सब कुछ निकाल ही लेंगे। कभी भी यह प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दिया है, क्वेश्चन लिख देगा कि यह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसके लिए दिए हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दिए हैं। तो कंपेयरिंग विथ वाई बराबर एक्स टेन थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो टेन थीटा के जगह पर रूट थ्री है, जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे वन है, एक्स स्क्वायर के साथ वन है, तो एक्स स्क्वायर के साथ इतना चीज है वो वन के बराबर होगा, एक्स के साथ रूट थ्री है, एक्स के साथ यहां टेन थीटा है, थीटा बराबर आ गया बच्चों पाई बाई थ्री, जिसे 60 डिग्री में बोलोगे। यहां पे आया टेन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर वन, टेन बाई टू यू स्क्वायर, क्लियर बच्चों, यू स्क्वायर और क्या लिख दें इसको, कॉस 60 का वैल्यू 1 बाई टू का स्क्वायर 1, तो 10 टू यू स्क्वायर बाई 4 लिख दिए 1, इसको 2 आ गया, 2 ऊपर चला गया 20, तो यू स्क्वायर आ गया 20 मीटर 20 आ गया, तो यू बराबर रूट 20 मीटर पर सेकंड लिख देंगे इसको। इस तरह से चीज भी मिल गया। अगर हम लोग इसको वाई बराबर रूट 3 एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स बाई रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज का वैल्यू बच्चों इसको कंपेयर कर ले इस तरह से, कंपेयरिंग विथ वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर, तो आर के जगह रूट 3 मीटर आ गया। और आर डायरेक्ट निकालना भी चाहें तो आर ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं बाबू, कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर तो 20 है, साइन 120 डिग्री, जी का मान 10, 10 से 10 कट गया, साइन 120 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2 होता है, 2 कट गया रूट 3 मीटर। ऐसे रूल से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से और इसके कंपेरिजन से भी बना सकते हैं क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि आगे हो सकता है अगला वीडियोज हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल को अपलोड करें, या रिलेटिव वेलोसिटी और रिवर प्रॉब्लम पर वीडियोज को अपलोड करें। तब तक के लिए बच्चों अभी तक के क्लास को जबरदस्त मेहनत करके कंप्लीट करो और पीछे के सभी चीजों को क्लियर भी कर लो।